This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. छोटा शिमला स्थित मांडला आयुक्त कार्यालय के बाहर एक महिला कर्मचारी धरने पर बैठ गई है। महिला कर्मचारी का आरोप है कि ऑफिस के ही कुछ कर्मचारी और अधिकारी उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पुष्पा देवी का कहना है कि मंडला आयुक्त कार्यालय शिमला में वह वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। उनका कहना है कि उनके कार्यालय के कुछ कर्मचारी और अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेरा नाम सर पुष्पा शर्मा है। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है सर। जी क्या समस्या है आपकी जिसको लेकर यहाँ पर आप बैठी हैं धरने पे? सर मेरी समस्या है कि मेरे को अथॉरिटी की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इस वजह से सर मजबूर होकर मुझे बाहर बैठना पड़ रहा है। किस तरह का भेदभाव है आपके साथ? सर एक तो सर ये कि मैं डिसेबल एम्प्लॉयज हूँ सर, तो ये बोला जा रहा है कि आपके पास सर लिमिटेड ऑप्शन है अथॉरिटी द्वारा। दूसरा ये कि सर मुझे ये बोला जा रहा है मेरी अथॉरिटी द्वारा कि आप कोर्ट में जाइए सर, कोर्ट की धमकियाँ दी जा रही हैं सर मुझे। मेरे जूनियर एक एम्प्लॉयज़ को सर मेरा बॉस बना दिया गया है सर। वो मेरी सर डिस्क्रिमिनेशन बार बार कर रहा है, मेरे को बोलता है कि मेरी सीट पे आके आप अटेंडेंस लगाएंगे सर। मेरे उसमें अटेंडेंस में क्वेश्चन मार्क सर लगाए हैं उसने। उसके खिलाफ सर मैंने अथॉरिटी को भी बताया है। उसके अलावा सर पहले भी मैंने उसकी कंप्लेंट्स की थी, क्योंकि सर वो उसका मिसबिहेव बहुत रहा है सर मेरे साथ। कहता है कि आप बराबर की तनख्वाह लेते हैं, बराबर का काम करना पड़ेगा, आपको नाच के दिखाना होगा। और सर जो मैं ऑफिस का काम भी कर रही थी सर, उसमें भी मुझे वो दिक्कतें क्रिएट कर रहा है सर, मेरे काम में बाधा डाल रहा था सर वो। और इसके अलावा सर मैंने ये सारी चीज़ें अथॉरिटी की नॉलेज मिलाई सर, अथॉरिटी को मैंने दिए 5 लेटर दिए सर, 5 महीने पहले लेटर दिया सर मैंने बड़े अपने कमिश्नर साहब को दिया सर, उन्होंने मेरे लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन सर मुझे डिसेबिलिटी कमीशन में जाना पड़ा सर, वहाँ भी मेरे को गए हुए सर लगभग 3 महीने का समय हो चुका है सर, पर मेरी कंप्लेंट पर कुछ भी नहीं हो रहा है सर। इवन दो कि मेरी हरासमेंट बढ़ती जा रही है, एक डेली वेजर PN भी सर मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है आज ऑफिस में सर। मैं मेंटली भी परेशान हूँ, आज मेरा ये कि मैं ऑफिस भी नहीं आऊँ सर। इस वजह से मैं सर एक तो मैं अकेली एम्प्लॉयज हूँ सर, कोई मेरी यूनियन है, कोई मेरा साथ देने वाला भी नहीं है। मजबूरन सर मुझे बाहर बैठना पड़ रहा है सर अपने न्याय के लिए सर। और दूसरा सर ये कि हमारे जैसे एम्प्लॉयज़ और भी होंगे सर, उनके साथ भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हो रही होगी। किसी के साथ भगवान सर ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मैं गवर्नमेंट तक सर यही पहुंचाना चाहती हूं कि सर हमारे लिए सर न्याय किया जाए, सर न्याय किया जाए हमारे साथ।